बड़े कमाल की लड़की थी सर। उसकी सोच पुराने जमाने में दूर तक पहुंच गई थी, पर न जाने क्यों वो मुझसे हमेशा कहती थी कि वो मेरे लायक नहीं, और वो मुझे हमेशा रेबिका नाम की मनुष्य से शादी करने का सुझाव देती थी, जिसे मैं हमेशा से नापसंद करता था। देखिए, उसकी इस बात पर जब मैंने आत्महत्या करने की बात कही तो उसने मुझे कीड़े मारने के जहर का पैकेट ला के दे दिया। बताइए, अरे मैं एक बच्चे की तरह हूं जो पेड़ पर उसका नाम खो देता है, घास में उसके नाम के अक्षरों की कटिंग करता है, और जब आसपास कोई नहीं होता तो अपने हवा के बाल लूज कर जोर जोर से उसका नाम पुकारता है, लुईसा लुईसा। सर आपने चीज देखी, मेरी भावनाओं में शेक्सपियर के शब्द कितने फिट बैठते हैं। अब ये देखिए, लुईसा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, 40,000 भाइयों का प्यार मिलकर भी मेरे प्यार की बराबरी नहीं कर सकता। मतलब सर आगे भी कुछ ऐसा ही था, बाकी मैं भूल गया। अब आप इसे चाहे तो मेरा पागलपन कहिए या दीवानापन, लेकिन मैं एक हुनरमंद आदमी हूं सर। 10 सालों में मैंने एक फर्स्ट क्लास होटल खड़ा कर लिया होता, लेकिन देखिए मैं उससे मिला और एक लुटेरा बन गया। जो मैं लुईसा के लिए महसूस करता हूं ना सर, उस पर तो शेक्सपियर खुद भी न्याय नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी कुछ लाइनें लिखी सुनाऊं जो मैंने लुईसा के लिए लिखी थी। माना इनका साहित्यिक स्तर कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन ये मेरी भावनाओं को किसी भी आम भाषा के मुकाबले बहुत ज्यादा अभिव्यक्त करती है सर। लुईसा, मैं तुझसे प्यार करता हूं लुईसा, तुझसे प्यार करता हूं लुईसा, तेरा प्रेमी इंड्यूसा। इंड्यूसा की लुईसा, लुईसा का मिंड्यूसा, मिंड्यूसा जीता है लुईसा के प्यार में, लुईसा भी जीती है मिंड्यूसा के प्यार में, मिंड्यूसा का लुईसा, लुईसा का मिंड्यूसा, मिंड्यूसा लुईसा लुईसा।